गुरु की नगरी स्वाद की नगरी अमृतसर में पहुंच चुके एक और बढ़िया सी वीडियो आपके लिए लेकर शोका कुलचे वालों के पास पहुंच चुके जो कि मट्टी कुलचे दे रहे हैं। अमृतसर दे विच सिटी इनसाइड दा सब तो टॉप दा कुलचा इहनां दा। ए दुकान नूं जी अपना कोई 73-74 च लाई सी जी, पहला रेहड़ी सी ते हुण मालक ने दुकान देती है। ये छोले सादे छोले है, फिर लून मिर्च पिया है ते नाल मसाला, कोई तड़का खास सिर्फ प्यार ही है और तो कुछ नहीं, बाकी ते आम कुलचे वर्गी कुलचे ही है, प्यार नाल खवाईदा है। जो मसाला पहले दिन पाईदा है ओह ही अज पाने पे। ए मटके वाली चटनी जिहड़ी बिल्कुल ठंडी रहिंदी है, ये प्याज ते इमली ते विच पूतना पाया हुंदा ते अपना लून मिर्च ही पाईदा है, बाकी जो कुछ हैगा सब कुछ तुहाडे सामने ही है। लगन लगियां लहरां, अंदर घ्यो ही लाईदा और खुला लाईदा, घ्यो तकरीबन बनस्पति विच उपर देसी, और देसी घी वाला भी कुलचा मिलता है, सिंपल घी वाला भी कुलचा मिलता है। ये वाला रहने वाला है देसी घी वाला कुलचा, काली मिर्च जीरा जवैन सारे मसाले आ चुके। मठी मठे सेकते ही हुंदी है, मठे सेकते ही बनदी, घ्यो थोड़ा ज्यादा लाई दा विच ते घ्यो ला के ओदे नाल ही मठी बनदी। लच्छा परौंठा बनता है, वैसे ना इन्होंने छोटे छोटे से पेड़े बना लिए लच्छे परौंठे जैसे, और उसके बीच में आलू की फिलिंग की जा रही है, ये चेक कर सकते हो। और अंकल जी की स्पीड चेक कर सकते हो, मेरे बोलने की स्पीड कम है बट इनके बनाने की स्पीड मेरे बोलने से भी ज्यादा तेज है भाई साहब। हमारा स्पेशल ड्राई फ्रूट कुलचा बनने जा रहा है, स्टफिंग रहती है जिसके बीच में आलू गोभी प्याज और कहने पर पनीर भी डल जाएगा। सिंपल आलू की स्टफिंग ये चेक करो, एनू थोड़ा बाइंड करने वास्ते ड्राई फ्रूट वाले कुलचे की स्टफिंग रेडी है। कुलचे में इतना फिलिंग की जाती है, ओह कमाल। और ये चेक करो, बहुत ही अमेजिंग स्पीड से काम हो रहा है, हाथ नहीं रुक रहे। और ये ड्राई फ्रूट वाले कुलचे के ऊपर आ गई खसखस, और देखते देखते पूरा तंदूर कुलचों के साथ भर दिया गया। छोटे छोटे कुलचे बाहर निकल कर आ चुके हैं और उसके ऊपर आ गया खूब सारा प्याज, मक्खन में कोई कंजूसी नहीं, बड़े कुलचे आ चुके। और भाई साहब ये आगे गर्मा गर्म छोले, इमली पुदीने वाली चटनी आ गई, कुलचे बनकर रेडी है। एक पनीर वाला और एक है ड्राई फ्रूट वाला, और एक बार क्रंच चेक कराना चाहता हूँ। पहले तो पनीर वाले कुलचे की क्रंच बहुत ही अमेजिंग, अंदर भी देसी घी बाहर भी देसी घी, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी, दिल लुट लिया नज़ारे लुट लिया, बहुत ही अल्टीमेट। मुँह में जाके ना जिले हल्की बाइट आती मसाले की, वह जो फ्लेवर बनता बहुत ही अल्टीमेट, बहुत ही वधिया कुलचे आ। उस आज ही थोड़े कुलचे खा के बहुत मज़ा आ गया। पहुंच चुके हैं शोर न्यूट्री कुलचे वालों के पास। सर सत श्रीकाल। सत श्रीकाल सर। सर मैं क्या न्यूट्री स्टार्ट किता कीती है सर? स्टार्ट साढ़े वड्डे ब्रदर ने की है सर। अच्छा जी। ये वड्डा ब्रदर ही है जिन्हें सारी बदौलत ये काम चल रहा है। 25 साल हो गए सर सू काम करते हैं। सर बिरयानी वैज बिरयानी, क्या बात है, वैज बिरयानी जिन्होंने आप तड़के वाले चौल भी कह देंगे ने सर, न्यूट्री चावल भी कह देंगे। लो सर ये वैज बिरयानी है जिसमें न्यूट्री की फिलिंग और पूरे वेजिटेबल आएंगे इसमें भी, प्याज प्याज अदरक सब कुछ, शिमला मिर्च तड़का और ये रोगन आ गया जी। हाँ जी, और ये आप चावल की लेंथ भी देख सकते हो, ये चावल की लेंथ भी चेक कर सकते हो। 1-2 बोलिए। और ये चावल की लेंथ भी चेक कर सकते हो सर, पूरे बासमती राइस यूज कर रहे हो, बढ़िया वाले, बढ़िया वाले यूज करते हैं सर। लो सर, लो जी जेडे राइस है वो न्यूट्री उत्ते आ चुके हैं जी, और इन्हू नहीं हूँ मैश करना। हाँ जी सर, इन सारा मैश कर दिया सर न्यूट्री दे विच। सर कुछ और आ देखो जी, पनीर के ऊपर बारिश कर दी गई है सर ने, पूरी पूरी बारिश कराती है जी। लो सर, और प्रिय मित्र धनिया जी, ओए होए होए सर, बिरयानी की प्लेट तैयार है जी। हाँ जी, ये आपकी प्लेट भी रेडी है सर। लो जी भाई साहब, अल्टीमेट लुक यार। ये फिर मीठी चटनी, मीठी चटनी आ गई जी, और ये पुदीने वाली चटनी आ गई जी, और प्लस प्याज आ चुका जी। ये आपकी रेडी है, ये भी 50 रुपए में सर, ये भी 50 रुपए। ये रहने वाले न्यूट्री राइस, बढ़िया वाले राइस हैं, ऊपर डाला गया पनीर, मतलब कमाल। और इनू ट्राई करते हैं, इदा ही दिल खुश करता है। मसाले तुसी ज्यादा नहीं पाया, बच्चा भी बुजुर्ग हर कोई खा सकता है सर। इनू अगर किसी ने तिखी कराना चाहते हैं तो उसे हरी मिर्च पा दी, बाकी सारा नॉर्मल होता है। देखने में लगता है कि जैसे बड़े मसाले बड़े हुए हैं, बिल्कुल जी, पर खाने में ये है कि जैसे आराम से कोई बच्चा भी खा ले। खाने सर कितने आना पैना इनू? खाने सर तुम कटरा जैमल सिंह आना पैना है,
नियर भरावान का ढाबा वै और ओपोजिट रैमड शोरूम। इस समय हम पहुंच चुके हैं सबरी भटूरे वालों के पास। तो आपके भटूरे मैंने सुना बहुत ही फेमस है अमृतसर में, ऐसा क्या मतलब खास है इसमें? प्यार ही डालते हैं जी, कस्टमर का प्यार है और प्यार से खिलाते हैं, प्यार से बनाते हैं। सर ये दुकान कब शुरुआत की थी आपने? सर 99 से शुरू किया था ये, 20-22 साल हो गया जी। क्या बात है, प्यार से बनाते प्यार से खिलाते जी, जिसके कारण लोग आके खाते हैं। छोटा सा कार्टन से शुरू किया था, अब तो 4 दुकानें हैं सर साबरी भटूरा शॉप के नाम पे। गुरु महाराज की कृपा है, दही वगैरह डलता है और बेकिंग पाउडर डलता है, कुछ मसाले सीक्रेट है वो डलते हैं, जिसके कारण इसकी अच्छी से फ्लेवरनेस आती है। बिल्कुल सर बिल्कुल, हमारे पास सर नूटरी कुलचा, चना भटूरा, आलू वाला भटूरा, ये आलू स्टफिंग हो रही सर भटूरे दे विच, आलू स्टफिंग। मैं जिदा मैं परोंठा बनाया जाता ओदे ही तुसी भटूरा बनाता जी? हाँ जी हाँ जी सर। मैं क्लोजअप में आपको दिखाते जी, ये चेक करना जी, आलू की स्टफिंग ली, भटूरे के पेड़े के अंदर फिलिंग की, और ये चेक करो जी पेड़ा तैयार है। मैं परोंठे के आप लगता दीवाने थे, आपने भटूरे में परोंठे जैसी स्टफिंग कर दी और परोंठे ऐसा भटूरा बना दिया। ये तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी जी, हमने शुरू कर दिया। आलू की स्टफिंग वाला भटूरा भी अब आ गया भाई साहब इस कढ़ाई में। लो भाई साहब स्टफिंग चेक करो जी, अंदर है जी आलू भर भर के, आलू और सीकरण मसाले हैं हमारे, छोले हैं और पनीर के साथ। लो जी अब मोटे पनीर के नाल चने, और साथ में आएगा चटनी और प्याज का अचार। क्या बात है जी, ये आ गई जी प्याज, और ये आ चुकी है ग्रीन सॉस जी पुदीने वाली, और ये आएगा गाजर का अचार, गाजर का अचार। और भाई साहब साथ में आ गए जी दो तरह के भटूरे, एक सिंपल वाला है एक आलू वाला लिया। ये आलू वाला भटूरा और ये है जी इनका एकदम फ्लफी फ्लफी सिंपल भटूरा। ये है जी गर्मा गर्म ट्रिपल डॉलर छोले, मतलब डॉलर वांगू नहीं नाम तेरे यार दा चलदा। चेक करो जी पनीर दा हट्टा कट्टा पीस, और भाई साहब ये चेक करो सिंपल भटूरा मतलब एकदम सॉफ्ट। ये है जी इनका आलू वाला भटूरा, ये स्टफिंग है जी आलू वाली, तो डालेंगे इसमें थोड़े से चने पंजाबियों का फेवरेट, पनीर दा पीस भर के भटूरा मुंह में जाके एकदम घुल गया, मजा आ गया। चने और पनीर डाल के ये बढ़िया से बाइट तैयार कर लिया। एक ही बात कह सकता हूँ कि भाई साहब सिंपल भटूरा और जहाँ आलू वाला भटूरा दोनों ही बहुत स्वादिष्ट रहने वाले हैं। तो आकर ट्राई कर सकते हो क्वींस रोड पे सबरी भटूरे वालों के पास, बढ़िया सा ढाबा दिखाने के लिए वो भी किफायती दाम में। सत श्री अकाल जी सब नु जी आया नु, गुरु रामदास जी नगरी विच जिवे कि तुहानू पता है कि कोई भुखा नहीं सो सकता, और असीं इही उपराला करने हैं कि कोई मातर साथी आ भी जावे असीं उसनू उस तरह भी खवा सकने हैं रोटी, और 20 रुपए विच कोई भी सब्जी दे सकने हैं। सानू बस बाबे दी नगरी जी बाबे दा ढाबा हैगा साडा, आओ तुहानू दिखाइए। ऐ जी साडी देख रहे मां बंदे ने जेडे कि 5-6 घंटे इन्हां नू ओरिजिनल नू लगदा मलाई बन जाते हैं बिल्कुल कड़ कड़ के, कई कहते मां खाओ तो वादी हो जाते हैं, लेकिन मां खा के साड़ी गैस नहीं करेंगे किसी ने। तड़का प्रोसीजर दिखाने तुम, देसी घ्यो का तड़का लाने असं, देसी घ्यो का तड़का, तड़का साढ़े को सारे तांबे के बर्तन यूज करते हैं असं, एक टैक्सचर बच जाता चीज का ना स्वाद बच जाता क्वालिटी बच जाती है। देखो जी साढ़े को तड़का है, पहले लसन प्याज टमाटर अं चोप किया है सारा, चने मसाला साढ़ा अमृतसर के मशहूर चने मसाले, आलू मटर खोई गोभी आलू, कढ़ी पकौड़ा देखिए, कढ़ी पकौड़ा पकौड़े प्याज के बनाने, चित्रे राजमा, कढ़ाई पनीर की ग्रेवी। हेलो जी तुम दाल फ्राई करके दिखाने, हेलो जी देसी घ्यो, जो ना करे मां प्यो वो करे देसी घ्यो, तांबे दे बर्तन रिड़नी रहनी, पहले देग च रिड़दी है फिर एहदे च रिड़ने आ, उस तो बाद फिर इधर लिया आ गया। तुम तीन बार घुमान ता ही है मलैमियत जी ही आती है, जिनी रिझेगी उन्नी ज्यादा आएगी। कि मेरे पड़दादे तो चलता आ रहा ढाबा जी, साड़ी इतने 5वीं जनरेशन है, मेरी उम्र 56 साल हो गई है, बस चलता रहा बाबे की कृपा ना चलता पे। हल्की जी देगी मिर्च टमाटर चौक टमाटर आ चुके हैं, देखो जी अब ये तीसरी बार दाल आ गई फ्राई पैन में, और ये दाल का टेक्सचर देखिए चॉप किया मसाला साडा, यही उपराला है कि बाबे नगरी आन के कोई जी कोई भैन भरा साडा कोई भुखा ना जावे, पैसे हैगे तभी आओ, नहीं हैगे तभी आओ, अहीं जी आया नूं कहने हैं। दाल बनकर रेडी है जी, ट्रांसफर कर ली गई है भाई साहब, दोबारा से आ चुका है देसी घी। सर की बनाने लगे हुण? चना मसाला प्याज चॉप किया है, असी अपने समय समझ लो कि 6-7 रुपए किलो मां 50 पैसे का फुलका, अपने टाइम से 80-85 तक 50 पैसे का फुलका बिकता रहा साढ़े ढाबे से, फुलके नाल सब्जी मुफ्त होंगी, छोले ते मां मुफ्त होंगे, कोई पैसा नहीं सी हुंदा उदों। हाँ जी 50 पैसे का फुलका छोले मां नाल हुंदे सी, कोई छोले साढ़े, हाँ जी चने तैयार है जी। लो भाई साहब चने तैयार है जी, हूँ बाबे ढाबे की अं स्पैशल कढ़ाई पनीर बना के तुम दिखा रहे हैं, तो जो मर्जी आ के सू वेख लो सा देसी घ्यो ज ही खाना बनेगा सारा, कोई रिफाइंड नहीं है, सब कुछ देसी घ्यो जी दिन। चॉप की शिमला मिर्च और है हल्की जी देगी मिर्च, अंग अंग फड़क, और जो चॉप किया हुआ प्याज, काजू की पेस्ट पाई होंगी है, टमाटर प्याज लसन बस, बहुत अं खास बहुत करते हैं ना, बहुत हैवी हों, उस टाइम ही फ्रैश पनीर कटी दा, जो गाहक जिन्नी प्लेटा मंगे उस टाइम बना के देता है फ्रैश पनीर। हाँ देखो पहले बना के असं कदी नहीं बना के रखते,
उस टाइम फ्रैश बनाने हर चीज। साडा पनीर तैयार है और ये ऊपर से आ चुका है रोगन और ये ट्रांसफर कर दिया गया बाउल में। हल्का सा चॉप किया हुआ धनिया के ऊपर जाएगा अमूल का मक्खन और साढ़े को आटे का फुलका आटे का परौंठा जड़ा कि हजम करने बड़ा आसानी रहता और वेखो क्रशिंग। सिर्फ आटा ही घ्यो भी है देखो किन्ना घ्यो लाया कितने गया घ्यो जी मर्जी सब्जी लै सकते हो भी रुपए की प्लेन। लो जी है देखो जी भी रुपए सारिया सब्जियां कोई भी लै सकते भी रुपए की एक सब्जी। लो जी सा 200 रुपए की थाली है देखो दो लच्छे परौंठे देखो और कढ़ाई पनीर है और पनीर कोई भी लै सकते साडे कोलो पालक पनीर कढ़ाई पनीर दाल मखनी आ गई है चना मसाला आ गया सैलड आ गया नाल और साडा प्यार आ गया नाल 20 रुपए च भी रजा दें और 200 रुपए भी रजा दें क्योंकि यह बाबे की नगरी है और बाबे का ढाबा है चौंक पासिया नियर गुरु का महल। ये जितनी सब्जियां मेरे सामने देख रहे हो ये सभी 20 रुपए में है। खन तैर रहा है ये देसी घी मतलब दोनों ही चीजें तैयार हैं भाई साहब दाल के ऊपर। तुम कढ़ाई पनीर भी लै सकते हो और प्लस इन्हों का शाही पनीर भी लै सकते हो और पनीर देखो जी इन्ना सॉफ्ट है जी और ये आ गई दाल गर्मा गर्म तो ये कहता हूँ दाल बहुत ही क्रीमी है। थाली में वही चीज़ें दी गई हैं जो अमृतसर में स्पेशल फेवरेट है। चनों वाली बढ़िया वाली बाइट रेडी है चनों में जो देसी घी का फ्लेवर है वो इसको खास बनाता है पर दूसरी बात मसाले कम यूज़ किए गए बढ़िया वाली पनीर वाली बाइट बनाते जी तो पनीर एकदम घुल गया हर सब्जी में कम से कम मसाले यूज किए गए और अच्छे से अच्छा टेस्ट प्रोवाइड किया गया है। भाई साहब अमृतसर के प्यारे से कपल के पास पहुंचे पाजी सत श्रीकाल। सत श्रीकाल जी मेरा नाम मनप्रीत सिंह है वीर जी 5-6 साल पहला की गल है कि मैं प्राइवेट जॉब करता सी और प्राइवेट जॉब करते हैं मेरे टाइमिंग की कई बार इशू हो जाता कि मतलब अपने को नहीं पहुंचा जाता कि ना तो टाइमिंग का प्रॉब्लम करके मेरे अपना ना पैसे कट किए गए मेरे थोड़े जी और भी इशू से 2-3 मेरे और करके मैं प्राइवेट जॉब करनी बंद करती और मैं अपना कुकिंग का कोर्स करना शुरू कर दिया बाद मैं मतलब कि 6 महीने लाए कुकिंग कोर्स किया और बाद मेरा फ्रेंड से उन्होंने तो मैं 6 महीने लाए और बाद मैं अपना ही स्टार्टअप शुरू कर लिया जी अपनी कार शुरू की मैं कार के मैं मतलब कि 5 साल आए जी मेरा प्रोपर काम वधिया हो गया मेरा इतनी मतलब कि बिजनेस शुरू हो गया और उस बाद मेरे कार तो शॉप लई है फ्रेंड से और शॉप के मैं काम करना शुरू कर दिया मेरे मिसेज होंगे नाल और एक बच्चा नाल छोटा वो काम करता जी मैंने इतने भी मैं 5 महीने हो गए जितने उदा मैंने इस लाइन से मेरे 5.5 साल हो गए काम करते हैं स्टडी भी मैं 12 की बाकी और कोर्स वगैरह बधेरे किए हुए अपने वीर जी अपनी वाली चाप होंगी जी स्टफ चाप और स्प्रिंग रोल होंगे जी वेज रोल ड्रैगन रोल मंचूरियन पास्ता बर्गर और नूडल पोटैटो बिस्टर होंगे जी इस वाले पोटैटो 20 रुपए ओनली स्प्रिंग रोल 10 रुपए पीस मिलता है चाप 20 रुपए पीस पनीर वाली चाप होंगी जी आप 20 रुपए पीस देने जी और ड्रैगन रोल 20 रुपए पीस मंचूरियन 100 की प्लेट जी 50 रुपए की प्लेट भी आप देने फिर नूडल मिल जाने अपने जी वो भी 10 तो स्टार्ट कर देगी आप 10, 20, 30 जिन्हें तक मर्जी हो जाए पास्ता भी अपना सेम रेट है जी 50 तो शुरू कर देगा जी 50 का 100 का 60 का जिन्हें तक मर्जी करें बर्गर अपना 20 तो स्टार्ट है जी 20, 25, 30 बाकी 40 तक भी है 50 तक भी है जी बर्गर। हाँ जी इतना सस्ते में देने का की कारण हाँ जी जी भी जेन्युइन प्राइस रखा है जी कोई हर कोई खा सके कोई भी निका बच्चा तक व्डा सियाना कोई भी आए अफोर्ड कर सके ता करके मेरे जेन्युइन प्राइस रखा जी पोटैटो ट्विस्टर तो चाप में कटने तो बाद पाया प्याज पाया मसाला एक केड़ा मसाला चाट मसाला जी और मिर्च थोड़ी घट रखी हाँ जी घट है जी और मिर्च वाली पुदीने वाली चटनी आ गई और ये आ गई लपा लप क्रीम मतलब क्रीम भर भर के हाँ जी तो वैसे जी मलाई चाप होंगी है और रोस्ट की जाती है मतलब तंदूर में या मतलब चैंबर में तुसी फ्राई करके बना रहे हो बिल्कुल जी आप फ्राई बना के दे रहे हैं टेस्ट चेंज हो जाता है मैं ना भाई जी बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा जी क्या बात है और ये बन के तैयार है जी हाँ जी बिल्कुल तैयार है जी सर की प्राइसिंग हैगी है जी 30 रुपए प्लेट जी बहुत ही किफायती दाम में मतलब मलाई चाप थानू इतने मिलने लगी है हाँ जी ਸੋ ਸਟਫਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀਰੇ ਨੂਡਲ ਦੀ ਸਟਫਿੰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀਰੇ ਨੂਡਲਸ ਔਰ ਵੈਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਸਾਲੇ ਔਰ ਕਰੀਮ ਡਾਲ ਕੇ ਬੜੀਆ ਸੀ ਬੜੀਆ ਸੀ ਸਪਾਇਰਲ ਪੋਟੈਟੋ ਕੀ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰ ਦੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਖਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀਆ ਸੀ ਮਲਾਈ ਚਾਮ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਪੋਟੈਟੋ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੀਆ ਸੀ ਇਹ ਮਲਾਈ ਚਾਮ ਮਲਾਈ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਡਾਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਨੋਰਮਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਚਾਂਪ ਨੂੰ ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਇਨਹੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਆ ਗਿਆ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਖਾ ਕੇ ਪਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇ ਯਾਰ ਇਹ ਜੋ ਜ਼ਾਇਕੇ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਹੈ ਚਾਂਪ ਔਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੇ ਸਾਥ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ ਯਾਰ ਕੈਸੀ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚਾਂਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਯਾਰ और ये जो अमृतसर के जायके आपको दिखा रहे हैं ये सिर्फ अमृतसर में मिलते हैं ये दोनों बड़े प्यारे कपल है यार बड़े प्यार से आपको ये जो फूड है बना के देते हैं यार और भाई साहब क्रिस्पी पोटैटो ट्विस्ट अब ट्राई करने जा रहे हैं तो एक ही बात कहता तो एकदम क्रिस्पी रहने वाला जे ये दोनों ही बहुत ही बेहतरीन रहने वाले तो एक बार ट्राई करना बनता है। अगर लोकेशन की बात करूँ लोकेशन जो है अमृतसर में शहीद उधम सिंह जी नगर पड़ता है और पुरानी चौकी के अंदर एंटर करते ही शहीद उधम सिंह जी नगर एक नंबर चौक है यार वहाँ पे ये सुबह 10-11 बजे आ जाते हैं और शाम को 9-10 बजे तक ही रहते हैं।